वाले 90s के इक्का दुक्का जो है वो नया है। मेरे पास माँ है, यस उधर से एक हैंड रेज हुआ, इधर से भी हुआ। मेरे पास माँ है। अधिकार मुझे पुष्पा, कंप्लीट द डायलॉग पुष्पा। अरे वाह, आई कांट हियर, जोर से पुष्पा। चलो ये तो पुराना वाला डायलॉग हो गया, नया वाला सुनना है आपको। इधर जोर से बोला है पुष्पा। एक और पूछती हूँ, उसके बाद हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग प्रोग्राम को भी स्टार्ट करने हैं। And Shailendra sir and Poonam ma'am to please come upon the stage for lightning of lamp. Dhairya Mittal ji. And Shailendra Mittal ji, director and center head of Asian Police School. Sir, come here please, sath mein. थोड़ा साइड में जी। To our respected directors, invited guests, parents, and my dear students. We are grateful that you have taken out time from your busy schedule to celebrate the talent and skills of our children. Today I am here to represent our school, where we clearly focus on the overall development of each and every child. We always try to help each child to discover his uniqueness and provide opportunities to enhance his skills. Our aim is to instill confidence in our students and teach them their social and environmental responsibilities. For this, our teachers play an important role. Jaisa ki hum jante hain, Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Guru Shakshat Param Brahma, Tasme Shri Guruve Nama. Arthat, Guru Brahma hai, Guru Vishnu hai, गुरु ही शंकर है, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है। उन सभी गुरुओं को हमारा नमन है। वे छात्र के आदर्श होते हैं जो उन्हें भविष्य के लिए क्रिएटिव, इनोवेटिव एंड रिसोर्सफुल नागरिक बनने में मदद करते हैं। जब मुझे ये मौका मिला है कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर आकर आप सभी से बात कर सकूं, तो मेरा एक क्वेश्चन जो अब आप सभी पेरेंट्स से है वो ये कि आप में से कितने ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के साथ क्वालिटेटिव क्वालिटी टाइम, राइम सिंग करना, स्टोरी सुनाना, ऐसा कौन से काम करते हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स। रियली आई अप्रिशिएट टू ऑल, थैंक यू सो मच। खाना नहीं खाता है हमारा बच्चा, ये नहीं करता है, तो व्हाट इज द रीजन? और जब आप लोग उनको खाना खिलाने बैठते हैं, आपके पास जो बेस्ट रेमेडी है वो आपका फोन है, जिसका यूज आप करते हैं और उनको अच्छे से खाना खिलाते। स्पून फोन दिया आपने, स्पून बाई दे, उसके लिए उन्होंने हमारे साथ अपना टाइम स्पेंड किया, उन्होंने हमें वो टाइम दिया, उसके लिए वो हमारे साथ बैठ के अपने पुरानी कहानी किस्से कुछ भी हमारे साथ डिस्कस करते थे, बट वो फ़ोन का यूज़ नहीं करते थे। तो आज जो मेरा मेन इशू है वो है कि हम अपने बच्चों को जितना फ़ोन से दूर रखेंगे, वो हमारे पास स्कूल में 3 घंटे 4 घंटे बच्चे रहते हैं, बट हम उन्हें कोई भी फ़ोन यूज़ करने के लिए नहीं देते। वो हमारे पास रह के डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी करते हैं, खाना भी खाते हैं, सब कुछ करते हैं, और इस बात से सब एग्री भी करेंगे कि बच्चे अपना लंच, आप जो अपने बच्चे को वो टाइम दे रहे हैं, जो फिजिकल एक्टिविटी या उनकी जो अदर एक्टिविटीज़ है उनको पार्टिसिपेट या फ़ोन को दे सकते। तो मेरा मेन
रीज़न आपसे इस बारे में बात करने का यही है कि जो उनका आई कोऑर्डिनेशन उनकी थैंक यू सो मच मैम फॉर योर प्रीशियस वर्क हमारी कोई नर्सरी को
खूबसूरत अच्छी परफॉर्मेंस है बच्चों द्वारा। मस्त ना होंगे हम, चले रहोगे, चले रहोगे, चले रहोगे।
क्लैपिंग कर ले। फिर ये कहते हैं ना कि जादू कोई अपने कोट में कुछ छुपा लेता है, तो मैं अपने हाथ के ये स्लिप्स ऊपर करके कुछ मैजिक दिखाने वाला हूँ। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अपनी निगाहें मेरे हाथों पे रखें। अगर आप लोगों ने पलके झपकी तो ये मैजिक मिस होने वाला है। मैजिक विद टिश्यू पेपर एंड म्यूजिक।
पहाड़ में आपके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई, लग रहा था सर ऐसे। कोई नहीं भाई, ऐसा होता है। लेकिन मैं एक चीज मैम छोटी सी जानकारी लेना चाहता हूँ कि अगर मैं पूछूं कि सर को आपको कैसे करना है, इनके दिमाग में कौन सा शब्द चल रहा है, वही ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो मैं चाहता हूँ उसको इजी कर देते हैं। मैम अभी जो भी आपने शब्द लिया है, मान लीजिए आपने एलिफेंट लिया है, उसका जो फर्स्ट अल्फाबेट होता है उसे मन में रखना है। मान लीजिए एलिफेंट का फर्स्ट अल्फाबेट होता है ई, है ना सर? सिर्फ आपको अल्फाबेट गेस करना है, इनके दिमाग में जो चल रहा है। ओके मैम अपनी आंखें बंद करेंगे, वन टू थ्री, देन आपको मन के अंदर वो अल्फाबेट तीन बार बोलना है, ठीक है? आंखें बंद, वन टू थ्री। सर गेस कीजिए। 11। नो, एक अल्फाबेट बोला है मैंने। जी जी सर, थोड़ा लेट हो गए, 100% गलत होंगे आप। मैम ये सही है क्या? गलत है। मैम आपका जो फर्स्ट अल्फाबेट क्या है? एम। सर मैंने कहा था ना आप कहीं और खो रहे थे मैम, तभी आपका दिमाग पढ़ लेती है। मैं कोशिश करता हूँ मैम। टू थ्री, मेरे को सुनाई दे गया मैम। मैथमेटिशियन, आई एम राइट? एक बार क्लैपिंग कर देंगे इनके लिए। फिर मैंने मैम का माइंड रीड किया, इनको इन लेंगे आप कर लीजिए, और जब तक का नहीं कहूँ आंखें नहीं खोलनी है आपको, ठीक है ना? अगर बीच में अगर आप आंखें खोलते तो ये मैं, और जैसे ही मैं पूछूं तो मुझे आंसर कर देना, ठीक है? मैं आपको टच करूंगा और जहां पे भी फील हो मुझे वो बताना है। आपको दो चीज याद रखनी है, मैंने कहाँ टच किया और कितनी बार टच किया, ठीक है? सर आप आंखें खुली रखेंगे, ठीक है? मैम मैंने आपको टच किया, मैम कहाँ पर टच किया था? पक्का? कितनी बार मैम? दो बार पक्का ना? एक बार क्लैपिंग कर देंगे इनके लिए। मैम रियल बताऊं तो मैंने आपको एक बार, no.
को थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो एक बार सर के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए। चलिए आप सभी के साथ एक मैजिक करते हैं, सभी के कपड़ों का कलर और डिजाइन एक साथ चेंज करने जा रहा हूँ, ये स्टेज पर मैं पहली बार कर रहा हूँ, ठीक है ना। 2, 3 आंखें खोल लीजिए, अभी नहीं किया मैंने, अब करने वाला हूँ, ठीक है ना। और अभी मेरे पास आप लोगों को भी नजर आया कि मैं कलर चेंज कर रहा, तो मैं चाहूंगा कि नहीं होता। ये तो सिर्फ आपके चेहरे से जो मुस्कान छुपी हुई थी उसे बाहर निकालने का मेरा छोटा सा तरीका था और आप लोगों से अलविदा कहने का मेरा नया तरीका। थैंक यू। प्लीज स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 2 not at least that making bow. So इससे आप समझ गए होंगे कि ये जो act होने वाला है वो उसका सीन क्या है। So please अभी बच्चे आने वाले हैं, they will show you. कुछ पाने की हो आस आस कोई अरमाए, हर कोशिश में हो बार बार कर दरियाओं को आर पार। थैंक यू सो मच मुस्कान, अपने बहुत लड़की हो लाचार मजबूर बेचारी हो यही जवाब सुनती हूँ मैं। जिसको माँ ने बड़े प्यार से है पाला उस माँ की बेटी हूँ मैं, उस माँ की बेटी हूँ मैं। जिसको हर मुश्किल में संभाला उस पिता की बेटी हूँ मैं, उस पिता की बेटी हूँ मैं। जीते रहो बेटा, तू दोना आओ और पोता
अभी तो शुरुआत है, बहू के घर वालों ने दहेज नहीं दिया, असलियत तो कुछ दिन बाद पता चलेगी। जिसको आप साथ में मानते हैं।
पाती हूँ। सजदा इसको मैं करती हूँ, मैं अपना सिर झुकाती हूँ। उसकी मिट्टी की खुशबू से महकती है कदम में, इस देश की बेटी हूँ मैं, नंदिनी कहलाती हूँ।
साल बाद
Gori 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 g
Let's go.